सो गाइस, अगर आप लोग का YouTube चैनल डिलीट हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को हमेशा बता चुका हूँ भाई, अगर आपका YouTube चैनल डिलीट होता है, सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, मेरे को Instagram में मैसेज करना, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग देखूंगा मैंने यहाँ पे चैनल डिलीट हुआ है, सस्पेंड होता है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना कि उन लोग Instagram पे मैसेज नहीं करते, मेरे को बताते नहीं, यहाँ पे कमेंट करते, बहुत सारे लोगों का कमेंट है यहाँ पे ऑटोमेटिक फेड हो जाता है, और फिर बहुत सारे कमेंट आने की वजह से यहाँ पे मैं देख नहीं पाता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि चैनल जो डिलीट होता है ना उसका टाइमिंग होता है कि आपको 30 दिन के अंदर रिकवर करना होता है, 30 दिन से ज़्यादा हो जाएगा आपका चैनल रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको टाइम पास नहीं करना है, जो भी करना होगा आपको अर्जेंट में काम करना होगा, ठीक है। मैं आप लोग को वही बोलता हूँ भाई कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट होता है, सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, जो भी होता है आप इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही है, सिर्फ आपको लास्ट में वन डाल देना, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी वही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप जो इंस्टाग्राम पे जो मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हो वहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो ओपन नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैनल का जो नाम है यहाँ पे यूट्यूब हैंडल जो है वही मेरा यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे भाई मेरा चैनल डिलीट हो गया है, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग देखोगे यहाँ पे सिर्फ चैनल डिलीट हुआ है, सिर्फ चैनल ही डिलीट हुआ है, जितना सारे लोग यहाँ पे मैसेज किया यहाँ पे देखो बोला भाई मेरा चार चैनल सस्पेंड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे चार चैनल जो सस्पेंड क्यों होते चैनल, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जो मोबाइल से आप चैनल वीडियो बना रहे हो, ठीक है, जो मोबाइल से आप वीडियो डाल रहे हो ना दूसरा मोबाइल पे डाल के देखना, दूसरा मोबाइल से करके देखना, उस पर आपका चैनल टर्मिनेट नहीं करेगा, वही मोबाइल से आप बार बार जो जीमेल बना रहे हो बार बार उसी से टर्मिनेट करता है। तो इस कंडीशन क्या करते हो, तो जो आप वीडियो डाल रहे हो वीडियो पहले सही से देखो कि मैं कौन सा वीडियो डाल रहा हूँ, सही वीडियो डाल रहा हूँ फिर नहीं डाल रहा हूँ, आप दूसरा मोबाइल से बना के देखना, दूसरा नाम से बना के देखना, उस पर आप दूसरा मोबाइल पे तो उससे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक मोबाइल से बनाने के बाद एक ही डिवाइस से एक ही आईपी एड्रेस से एक ही नंबर से बनाते होंगे, इस वजह से आपका चैनल जो है बार बार ट्रीटमेंट कर देता है। तो आपको अलग नंबर से बनाना है, अलग नाम से बना लेना एक बार, ठीक है, उसके बाद डाल के देखना आपका प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग देखोगे यहाँ पे चैनल यहाँ पे इससे ट्रीटमेंट हुआ था, यहाँ पे देखो इसका भी चैनल ट्रीटमेंट हुआ है, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लोगों देखो यहाँ इसके भाई का जो चैनल यहाँ पे डिलीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों का चैनल यहाँ पे डिलीट होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज नहीं करता, यहाँ पे मैं इतना जो मैसेज आता भाई इतना मैसेज देखना, सबको रिप्लाई देना, फिर आपको इससे कंटेंट भी करेंगे तो यहाँ पे नहीं होता, इसको मैं रिप्लाई दूंगा कि ठीक है कैसे डिलीट हुआ, नहीं डिलीट हुआ तो कैसे बात कर पाएंगे यहाँ से यूट्यूब से, मतलब जो कमेंट से नहीं बात कर पाएंगे, और मैं यहाँ पे रिप्लाई भी देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग चेक भी नहीं करते कि यहाँ पे भाई ने रिप्लाई दिया फिर नहीं दिया, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जितना भी सारे मैंने ऑडियंस जो यहाँ पे वीडियो देख रही हूँ, अगर आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, सस्पेंड हुआ है, जो भी वजह से जो भी आपका चैनल पर प्रॉब्लम होता है ना, तो मेरे को बिंदास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी भी दिखा देता हूँ भाई कि हाँ इंस्टाग्राम आईडी आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना भाई इंस्टाग्राम पे, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे देखो आपको इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि चलो अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। एक मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ से मैसेज कर लेना भाई, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे प्रॉब्लम जिसका भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो होता है ना भाई वो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो भी लोग सारे यहाँ पे मैसेज करते हो सारा लोग का रिप्लाई देता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होता है सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी करता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट पे देखोगे एक भी लोग का रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे देखो सारा लोग जितना भी सारे लोग यहाँ पे मैसेज करते सभी लोग का रिप्लाई देता हूँ, जितना सारे लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट पे देखोगे एक भी नहीं मिलेगा आपको, बाकी जितना सारे लोग यहाँ पे मैसेज किया ना सारा लोग का यहाँ पे देखोगे सारा लोग का जो रिप्लाई आता है सारा लोग को मैं रिप्लाई देता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। फिर आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ भाई, खुद से डिलीट किया हो, परमानेंटली डिलीट कर दियो, ब्रांड अकाउंट है या फिर नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका यूट्यूब चैनल 100% रिकवर हो जाएगा, फिर आप लोग मैसेज करना, ठीक है। बाकी अगर आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हुआ है, सस्पेंड हुआ है, तो उस कंडीशन आप यूट्यूब को अपील कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के थक जाओगे लेकिन आपका यूट्यूब चैनल रिकवर नहीं होगा, अगर आपका टर्मिनेट हुआ है तो सस्पेंड हुआ है टर्मिनेट हुआ है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के थक जाओगे लेकिन रिकवर नहीं होगा, ठीक है। और आप वीडियो देखते देखते थक जाओगे फिर आपको वीडियो खत्म भी नहीं होगा, यूट्यूब पे बोलेगा ये कर लो वो कर लो आपका चैनल रिकवर हो जाएगा सस्पेंड होता है तो, और आप लोग गलती नहीं किए होंगे तो आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड होता है तो रिकवर हो जाएगा, गलती किए होंगे भाई तो आपका यूट्यूब चैनल रिकवर नहीं होगा, रिकवर हो भी सकता है तो 3 महीने के बाद रिकवर हो सकता है, पहले रिकवर नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों पे देखोगे जितना सारे लोग यहाँ पे मैसेज करते सारे लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ, आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होता है इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।